नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक बहुत ही क्रूएल, बहुत ही हीनियस, बहुत ही बेकार और खराब क्राइम के बारे में। वह है रेप 376 के बारे में। आईपीसी का सेक्शन 376 क्या कहता है, और आप कई लोग कन्फ्यूज होते हैं 376 को लेकर, 375 को लेकर के कन्फ्यूज होते हैं। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर 376 यानी रेप से जुड़े हुए जो भी कानून है इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इससे संबंधित जितने भी ज्ञान हो सकते हैं वो आपको मिल जाएंगे और आपके काम जरूर आएंगे। आप निश्चित रूप से आप खुद की भी और दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। किसी भी महिला से बलात्कार किया जाना भारतीय कानून के तहत गंभीर श्रेणी में आता है। इस अपराध को अंजाम देने वाले दोषी को कड़ी सजा का प्रावधान है। इस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड में धारा 376 व 375 के तहत सजा का प्रावधान है। धारा 376 और 375 के क्या है प्रावधान, इसके बारे में आइए डिटेल में जानते हैं। किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपी पर 376 के तहत मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें अपराध सिद्ध होने की दशा में दोषी को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान होता है। दोस्तों, आपको यह भी जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि पत्नी से दुष्कर्म करने पर भी सजा होती है। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी के साथ दुष्कर्म किया है और उसकी आयु 12 वर्ष से कम नहीं है तो आरोपी को 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है या जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कई मामलों में अदालत पर्याप्त और विशेष कारणों से सजा की अवधि को कम भी कर सकती है। आईपीसी की धारा 375 दुष्कर्म को यानी रेप को परिभाषित करता है, जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध संभोग करता है तो उसे बलात्कार कहते हैं। किसी भी कारण से संभोग क्रिया पूरी हुई हो अथवा नहीं, कानूनन वो बलात्कार ही कहलाएगा। इस अपराध को अलग अलग हालात और श्रेणी के हिसाब से धारा 375, 376, 376 क, ख, ग, घ के रूप में विभाजित किया गया है। धारा 375 कहता है, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसकी सहमति के बिना उसे डरा धमका कर दिमागी रूप से कमजोर या पागल महिला को धोखा देकर या उसके शराब या पदार्थ कारण होश में नहीं होने पर उसके साथ संभोग करता है तो वह बलात्कार की श्रेणी में ही आएगा। यदि महिला की उम्र 16 वर्ष से कम है, उसकी सहमति या बिना सहमति से होने वाला संभोग भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। इस धारा के अंतर्गत यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी 15 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ संभोग करता है तो वह भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। इस स्थिति में आरोपी को सजा हो सकती है। इसका उपधारा 2 यानी सब सेक्शन 2 के अंतर्गत यह बताया गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी या लोक सेवक अपने पद और अपने शासकीय शक्ति और स्थिति का फायदा उठाकर उसकी अभिरक्षा या उसकी अधीनस्थ महिला अधिकारी या कर्मचारी के साथ संभोग करेगा तो वह भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा। यह कानून जेल, चिकित्सालय, राजकीय कार्यालयों, बाल एवं महिला सुधार गृहों पर भी लागू होता है। दोषियों को कठोर कारावास की अधिकतम सजा हो सकती है। इन सभी आरोपों में दोषी पाए जाने वाले आरोपी को 10 वर्ष से कम की सजा नहीं हो सकती। मैं एक कोर्ट के निर्णय का भी जिक्र करना चाहूंगा। आपसी सहमति से बना संबंध बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। इस मामले बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा, अगर कोई शिक्षित और 18 वर्ष की उम्र से बड़ी लड़की रिलेशनशिप में सहमति से संबंध बनाती है तो रिश्ते खराब होने के बाद वो बलात्कार का आरोप नहीं लगा सकती है। न्यायालय के मुताबिक समाज में यौन संबंधों को सही नहीं माना जाता है। तब भी यदि कोई महिला यौन संबंधों के लिए नो नहीं कहती है तो उसे सहमति से बनाया गया संबंध माना जाएगा। वैसे ही 376 का कहता है कि अलग रहने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग करता है तो भी बलात्कार के श्रेणी में आता है, जिसके लिए 2 वर्ष तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। मैं एक बार दोहरा दूं, 376 का अलग रहने के दौरान से मतलब ये है कि अगर डिवोर्स केस शुरू हो चुका है
और उसमें दोनों अलग अलग रह रहे हैं, और तब अगर पति अपने पत्नी के साथ में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है, उस स्थिति को बलात्कार की श्रेणी के अंतर्गत माना गया है और इसमें 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। 376 ख के मुताबिक लोक सेवा द्वारा अपनी अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ संभोग करने की दशा में ये अपराध की श्रेणी में आएगा, जिसके लिए 5 वर्ष तक की जेल के साथ जेल और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। यानी 376 ख कह रहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति जो कि शासकीय पद पे है और वो अपने अधीनस्थ के साथ में, अधीनस्थ महिला के साथ में अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप में या किसी भी प्रकार से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाते हुए पाया जाता है, तो उसको भी बलात्कार के श्रेणी में माना जाएगा और 5 वर्ष तक की सजा या जुर्माना दोनों हो सकेगा। वहीं 376 ग कहता है कि जेल में अधिकारी द्वारा किसी महिला बंदी से संभोग करना भी बलात्कार के श्रेणी में आता है, जिसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। अमूमन जेल के अंदर यदि कोई भी अधिकारी महिला बंदी के साथ में सेक्सुअल रिलेशन बना रहा है, तो वह भी रेप की श्रेणी में माना जाएगा। और 376 घ कहता है कि अस्पताल के प्रबंधक या कर्मचारी आदि से किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग करेगा, तो वह भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा, जिसकी सजा की अवधि 5 साल तक की हो सकती है। तो दोस्तों, बलात्कार यानी रेप के ऊपर जो आईपीसी का सेक्शन है वो मैंने आपको डिटेल में बताया। मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर देता हूं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जहां आईपीसी का सेक्शन 375 डेफिनेशन बताता है कि बलात्कार कहते किसको है, वहीं 376 जो बताता है, 376 में जो अलग अलग सेक्शन डाले गए हैं, 376 क ख ग घ यानी ए बी सी डी, ये जो 4 सेक्शन डाले गए हैं वो डिफाइन करते हैं कि कैसे यदि जेल में अधीक्षक जो है अगर अपराध करे बंदी के साथ में, जो जेल में कोई महिला बंदी है उसके साथ में अगर वो सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो उसे अपराध माना जाएगा, कैसे अस्पताल के अंदर कोई डॉक्टर जो है नर्स के साथ संबंध बना ले तो उसको भी बलात्कार माना जाएगा, यदि डिवोर्स के दौरान पति पत्नी अलग रह रहे हैं और उसमें संबंध बन जाए उसको भी बलात्कार माना जाएगा, ऐसे उदाहरण दिए गए हैं। साथ में यह भी बताया गया है कि यदि आप जबरदस्ती किसी महिला के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं और चाहे संभोग की प्रक्रिया पूरी हुई हो या ना हुई हो, उसे बलात्कार के श्रेणी में ही माना जाएगा और उसमें गंभीर सजा का प्रावधान भी किया गया है। तो दोस्तों, रेप के ऊपर यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आईपीसी के इस सेक्शन को आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, या अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।